क्वेश्चन था अ व्हील 0.60 मीटर इन रेडियस, क्या गिवन है? रेडियस. स्पीड कितनी है? 10. यूनिट्स क्या है? मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड के सिंबल क्या होगा? वी. फाइंड एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड का सिंबल ओमेगा. तो v गिवन है, ओमेगा निकालना है. बोलो फॉर्मूला, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर. v पता है, r पता है आंसर. ओमेगा के यूनिट्स इंपॉर्टेंट, रेडियंस पर, भूलना नहीं, एंगुलर वेलोसिटी रेडियंस पर सेकेंड. क्लियर है यहां तक? स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी के साथ स्टोन बांध दिया, रस्सी की लेंथ कितनी है? 80 सेंटीमीटर. तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना. इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड. 14 रेवोल्यूशंस इन 25 सेकंड स्टोन बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट है. 25 सेकंड में 14 रेवोल्यूशंस हैं, तो 25 सेकंड में 14 रेवोल्यूशंस हैं, एक सेकंड में 14.25 रेवोल्यूशंस हैं, और एक सेकंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी. तो आपको जब भी ऐसी स्टेटमेंट गिवन हो कितने सेकंड में इतने रेवोल्यूशन है, तो आप पर सेकंड रेवोल्यूशन निकालो. तो एक सेकंड में कितनी है? 14/25 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, और शॉर्ट फॉर्म है RPS. RPS का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशंस पर सेकंड. क्लियर है? फ्रीक्वेंसी. लास्ट टाइम हमने काम किया था ओमेगा, फॉर्मूला लिखवाया था. ओमेगा क्या होता है? 2.2 फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अपने को ओमेगा चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए. तो फ्रीक्वेंसी को यहां से यहां पुट करें तो ओमेगा 2.2 फ्रीक्वेंसी, आंसर रेडियंस पर सेकंड में आएगा. ओमेगा आ गया. क्या निकालना है आपको इसमें? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. अब जब पत्थर घूमेगा सर्कल में तो उसके पास कौन सी एक्सेलरेशन होगी? सेंट्रीपेटल. सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हैं, या तो वी स्क्वायर बाय आर या आर ओमेगा स्क्वायर. जिन क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है वहां से ओमेगा निकलता है, वहां फॉर्मूला आर ओमेगा स्क्वायर. जिनमें वी गिवन होता है वहां पर वी स्क्वायर बाय आर. तो इसमें क्या लगेगा? आर ओमेगा स्क्वायर. तो आर की वैल्यू इसमें आपको क्वेश्चन में गिवन है, आर सेंटीमीटर में गिवन है, ओमेगा आपने निकाल लिया क्योंकि मैंने सेंटीमीटर पुट किया, तो आंसर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मेथड समझ में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी से ओमेगा, ओमेगा से आर, ओमेगा स्क्वायर. क्लियर है? जैसे एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट हॉरिजॉन्टल लूप, प्लेन है, देखो प्लेन हॉरिजॉन्टल लूप में घूम रहा है, और रेडियस क्या है इसमें? 1 किलोमीटर. स्पीड कितनी है? 900 किलोमीटर पर आर. कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड. कंपेयर इट्स सेंट्रीपिटल एक्सलेशन विद एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जब प्लेन हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन क्या होगी? वी स्क्वायर बाय आर. अब भैया आर ओमेगा स्क्वायर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि क्वेश्चन में ओमेगा गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन में तो वी गिवन है, तो वी स्क्वायर बाय आर. तो वी स्क्वायर बाय आर से आंसर आ गया. कंपेयर करना है विद एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आप सेंट्रीपिटल एक्सलेशन को एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू से क्या करते हैं? डिवाइड. डिवाइड करके रेशियो आएगी, फिर आप बोलेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 6.3 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कंपैरिजन हो गया. तो समझ में आ रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लगेगा और कंपैरिजन में क्या करना है? ठीक है यहाँ तक? शीट को अपलोड करूंगा गूगल ड्राइव पे मैं. नेक्स्ट है स्टोन जिसका मास गिवन है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग ना हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टली पत्थर घूम रहा है, रेडियस कितना है? 1 मीटर है, एंड इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी 40 revolutions पर मिनट. हम फ्रीक्वेंसी कभी पर मिनट नहीं लेते, पर सेकेंड लेते हैं. तो पर मिनट को पहले 60 से डिवाइड करो revolutions पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी का सिंबल f या न्यू कुछ भी हो सकता है. तो फ्रीक्वेंसी अगर पता है तो ओमेगा आ जाएगा 2.2 न्यू, तो ओमेगा आ गया. क्लियर है यहाँ तक? तो ओमेगा आ गया. अब जब पत्थर हॉरिजॉन्टल में घूमता है, मैंने आज बताया था, तो उसमें जो टेंशन है वही क्या होती है? सेंट्रीपिटल. तो आपसे वो क्या पूछ रहा है? इसमें सेंट्रीपिटल कितनी है तो या टेंशन कितनी है? तो पहले पार्ट में क्या गिवन है? व्हाट इज दी टेंशन इन दिस स्ट्रिंग. तो जब पत्थर घूमेगा हॉरिजॉन्टल तो टेंशन क्या होगी? एम आर ओमेगा स्क्वायर. एम पता है, आर पता है, ओमेगा पता है, आंसर. कोई डाउट? ठीक है. और सेकेंड पार्ट है व्हाट इज दी मैक्सिमम स्पीड. अरे वी तो दे ही दिया था उसने. नहीं, वो पूछ रहा है वी निकालो. सॉरी, वी निकालो. जब टेंशन कितनी हो जाएगी? 200 न्यूटन. अब टेंशन की वैल्यू तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका, 5.26. वो कह रहे हैं केस नंबर टू लो, टेंशन को 5.26 मत लो, नई टेंशन कितने लो? 200 लो. अब बताओ उसकी वी क्या होगा, पत्थर का वी क्या होगा? फिर से इक्वेशन लगाओ. टेंशन इस बार फॉर्मूला लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, नहीं एम वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि आपको वी निकालना है. इस सेकेंड पार्ट में आपको वी निकालना है. तो टेंशन इज एम वी स्क्वायर बाय आर,
टेंशन 200 फुट करके आर पता है, एम पता है, वी कैन बी कैलकुलेटेड. अब क्योंकि वो कह रहे हैं टेंशन मैक्सिमम थी तो वी ऑटोमेटिकली क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा. तो समझ में आ रहा है, जब एक पत्थर हॉरिजॉन्टल घूमेगा तो टेंशन या तो एम आर ओमेगा स्क्वायर या टेंशन एम वी स्क्वायर बाय आर, बस दो ही फॉर्मूले लगने हैं. क्लियर है यहां तक? अब बेंड इन अ लेवल रोड, ये लेवल रोड है, ये बेंड है, टर्न आ गया, घूम गई सड़क, घूम गई. बेंड इन अ लेवल रोड हैज अ रेडियस ऑफ 100 मीटर. मैक्सिमम स्पीड बताओ इस कार की क्या होगी बिना स्किडिंग, जब कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8 है. इसमें बैंकिंग नहीं है, ऐसे टर्न घूमना है. हमने किया था जब एक कार लेवल रोड पे घूमती है तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी. म्यू पता है, आर पता है, जी पता है, वेलोसिटी आ गई. क्लियर है यहां तक? लेवल रोड का एग्जांपल लास्ट टाइम भी हमने किया था. ठीक, एयरक्राफ्ट हॉरिजॉन्टल लूप में एट अ स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आर. तो एयरक्राफ्ट हॉरिजॉन्टली घूम रहे हैं और वी की वैल्यू 720 किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में. विद इट्स विंग बैंक्ड, कह रहा है उसने अपना विंग ही बैंक कर दिया. जब प्लेन घूमता है ऐसे नहीं घूमता, प्लेन ऐसे ऐसे मुड़ता है. तो जैसे कार को बैंक कर देते हैं ऐसे प्लेन को भी बैंक कर दिया. तो बैंकिंग ऑफ ट्रैक की जगह बैंकिंग ऑफ प्लेन हो गया. तो बैंकिंग ऑफ प्लेन में एंगल कितना है, 45. क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द लूप. ये फ्रिक्शन तो होती नहीं हवा में, तो साइकिल वाली प्रॉब्लम है. साइकिल वाला बेंड करता है या प्लेन बेंड कर गया, एक ही एक्सप्रेशन है. क्योंकि साइकिल वाला एक्सप्रेशन में बिना फ्रिक्शन के हुआ था. तो क्या फॉर्मूला था बैंकिंग का, टैन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी. बिना फ्रिक्शन के तो यही फॉर्मूला था. बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का यही था, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट की जगह बेंडिंग ऑफ प्लेन हो गया. तो इसके अंदर थीटा पता है, वेलोसिटी पता है, आर निकालना है, जी पता है, आर कैन बी कैलकुलेटेड. तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक? बैंकिंग के फॉर्मूले सेम लगेंगे. जैसे कर्व्ड रोड, फिर से सड़क कर्व हो गई, डायमीटर गिवन है तो रेडियस आ जाएगा. ठीक, इज बैंक्ड, बैंकिंग कर दी विद नो फ्रिक्शन एट अ स्पीड ऑफ 30. क्या निकालना है, बैंकिंग है. जब फ्रिक्शन नहीं है और बैंकिंग है तो ये फॉर्मूला टेन थीटा वी स्क्वायर बाय हर चीज. फ्रिक्शन के साथ वो बड़ा सा फॉर्मूला था जो लास्ट टाइम किया था, बिना फ्रिक्शन के छोटा फॉर्मूला है. वी पता है, आर पता है, जी पता है, आंसर. मेथड समझ में आ रहा है, कब कौन सा फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल है. ठीक है यहां तक? जैसे बेंड इन अ लेवल रोड, फिर से रेडियस कितना है 80. स्पीड निकालो इस कार की विदाउट स्किडिंग, जब कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 है. तो बेंडिंग ऑफ कार के अंदर बिना बैंकिंग के जब कार लेवल रोड पे मुड़ती है तो सेम फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी. म्यू पता है, आर पता है, जी पता है, वेलोसिटी. रिपीट है क्वेश्चन. ठीक है यहां तक? ट्रेन राउंड एन अनबैंक सर्कुलर बेंड ऑफ रेडियस 30 मीटर. एक ट्रेन है, ट्रैक के गोल है उसके, और बिना बैंकिंग के हैं, मतलब बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स नहीं है बट ट्रेन के रेल सीधे ही हैं. ट्रेन घूम रही है सर्कल में, रेडियस 30, स्पीड 54 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया. मास नहीं चाहिए ट्रेन का. वॉट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज. कौन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल? ट्रेन रेल्स पे घूम रही है, कौन प्रोवाइड करेगा? रेल्स की फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल. कार भी जब लेवल रोड पे घूमती है तो फ्रिक्शन है, तभी तो चिंगारियां निकलती है जब ट्रेन गोल घूम रही होती है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो जाती है. क्लियर है यहां तक? तो रेल्स की फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल. और इंजन की रेल्स, रेल्स आंसर है, इंजन थोड़ा प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल, रेल्स करेंगी, रेल्स की फ्रिक्शन करेगी. आउटर की इनर, आउटर जोर कहां पड़ता है, आउटर, आउटर पे ज्यादा, इनर भी करती है पर आउटर ज्यादा. नेक्स्ट है विच रेल विल वियर आउट फास्टर, इनर की आउटर, आउटर, आउटर घिस जाएगी. नेक्स्ट है अगर मैं उसको घिसाने से रोकना चाहता हूं तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, उसकी बैंकिंग. तो बताओ बैंकिंग का एंगल क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं लेने को कहा तो बैंकिंग एंगल टैन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी. वी पता है, आर पता है, जी पता है, आंसर. ठीक है यहां तक समझ में आ रहा है कैसा फॉर्मूला लगेगा इसमें? एक लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड है, डिस्क घूम रही है, प्लेइंग रिकॉर्ड घूम रहा है, और कितनी स्पीड से, देखो स्पीड लिख रहा है लेकिन यूनिट्स क्या है, रेवोल्यूशन पर मिनट. उसका सुनना मत स्पीड है, वी ले लो, ओमेगा ले लो ना, आपने इसको फ्रीक्वेंसी लेना है. अगर रेवोल्यूशन पर मिनट है तो वो फ्रीक्वेंसी ही है, चाहे वो स्पीड लिख दे. तो 33 1/3 रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब 100/3 रेवोल्यूशन पर मिनट, पर हम रेवोल्यूशन पर सेकेंड कन्वर्ट करते हैं. इसको 60 से डिवाइड कर दो रेवोल्यूशन पर सेकेंड. और आरपीएस कभी वेलोसिटी नहीं होती, आरपीएस हमेशा फ्रीक्वेंसी.
हाँ उससे एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली जाती है। तो फ्रीक्वेंसी पता है, तो ओमेगा क्या होगा, 2.2 फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आ गया। पहला स्टेप क्लियर है, आरपीएम को आरपीएस, आरपीएस से ओमेगा, क्लियर है यहां तक। अब वो क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर एक क्वाइन रखा गया, वो क्वाइन 4 सेंटीमीटर और 14, करेक्शन कर लो, 4 सेंटीमीटर पे एक क्वाइन रखा गया, 14 सेंटीमीटर पे दूसरा क्वाइन रखा गया। आपको इसमें क्या निकालना है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 है, कौन सा क्वाइन साथ घूमेगा और कौन सा बाहर की तरफ गिर जाएगा। कैसे डिसाइड करते हो, क्वाइन अगर इसके ऊपर पड़ा हुआ है तो डिस्क के पास क्या है, सेंट्रिपिटल, क्वाइन को बाहर की तरफ क्या मिलेगी, सेंट्रीफ्यूगल, याद है क्वाइन बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल, कौन बचाएगा क्वाइन को बाहर गिरने से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बड़ी हो जाए सेंट्रीफ्यूगल से तो क्वाइन बाहर नहीं गिरेगा। हमें यानी कि कंपैरिजन करना है फ्रिक्शन का सेंट्रीफ्यूगल का। तो इसमें से मास को हटा दें, वो तो कॉमन ही है, तो हमें ये और इसमें से मास हट जाएगा, तो ये टर्म आ गई। तो अगर तो ये टर्म बड़ी हो गई फ्रिक्शन और ये छोटी हो गई, फिर तो क्वाइन नहीं गिरेगा, पर अगर सेंट्रीफ्यूगल का कंपोनेंट बड़ा हो गया फ्रिक्शन से फिर क्वाइन गिरेगा। तो हम दो केस लेते हैं, पहले क्वाइन में रेडियस 4 सेंटीमीटर है, दूसरे में 14 सेंटीमीटर है। तो पहले केस में म्यू पता है, जी पता है, आर 4 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे और ओमेगा पुट कर देंगे। दूसरे केस में ये तो सेम रहेगा, आर की जगह 4 की जगह 14, ओमेगा सेम रहेगा। पहले केस में जब कैलकुलेशन होगी ये टर्म बड़ी आएगी ये छोटी आएगी, तो अगर ये बड़ी आएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बड़ी है, कॉइन रिवॉल्व करेगा घूमेगा, और दूसरे केस के कैलकुलेशन में ये बड़ा आएगा ये छोटा आएगा, ये बड़ा होने का मतलब सेंट्रीफ्यूगल का कंपोनेंट बड़ा है तो कॉइन नहीं घूमेगा गिर जाएगा। तो कैसे सोच रहे हैं और कंपेयर करना है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को सेंट्रीफ्यूगल के साथ कंपेयर करना है। तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बड़ी हो गई कॉइन नहीं गिरेगा, सेंट्रीफ्यूगल बड़ी हो गई कॉइन गिरेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है। फॉर्मूला फॉर्मूला ही है बस इसमें, कहीं सोचो कि 10 क्वेश्चन हो गए 10 मिनट में, है ही होगा अंदर, तब तो कुछ कर लेंगे। एनसीईआरटी की सिंपल असाइनमेंट है, बस कुछ भी नहीं करना, ये रिपीट ऑफ क्वेश्चन है, हो गया क्वेश्चन ये वाला। अ बॉडी जिसका मास 0.5 kg है, वर्टिकल सर्कल आ गया, रेडियस कितना है 1 मीटर, मिनिमम स्पीड एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, ताकि स्ट्रिंग स्लैक ना हो, टेंशन रहे उसमें, तो मिनिमम वेलोसिटी लोएस्ट पे क्या होती है, √5 rg निकाल लोगे। और सेकेंड पार्ट में टॉप ऑफ द सर्कल पे वेलोसिटी मिनिमम क्या होगी, √rg निकाल लोगे। आंसर किया हमने √5 rg और √rg। बकेट कंटेनिंग वाटर वर्टिकल सर्कल में घूम रही है, मिनिमम वेलोसिटी निकालो हाईएस्ट पे और लोएस्ट पे, ताकि पानी ना गिरे, ऑब्वियसली लोएस्ट पे √5 rg, हाईएस्ट पे rg, पानी नीचे नहीं गिरेगा। ठीक, पार्टिकल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग लेंथ l और उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा दिया, सुनते ही पता लगता है कॉनिकल पेंडुलम की प्रॉब्लम है, लास्ट टाइम की थी ना, कॉनिकल ऐसे घुमा दिया हॉरिजॉन्टल। तो इसकी लेंथ दे रहा है और ये रेडियस भी दे रहा है, नहीं तो नॉर्मल रेडियस देता नहीं है, लेंथ भी दे रहा है रेडियस भी दे रहा है। आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड का मतलब वी निकालना है। तो कॉनिकल पेंडुलम में क्या करते थे, टेंशन टी, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा एम जी, टी साइन थीटा एक्टिंग टूवर्ड सेंटर, तो ये क्या करेगी, सेंट्रीपिटल, तो इसकी सेंट्रीपिटल की वैल्यू टी साइन थीटा क्या होगा, mv² / r किया था हमने, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे टेन थीटा v² / rg। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इसमें वी निकालना है, टेन थीटा निकाल लो ना, ये एल है ये आर है, तो पाइथागोरस से ये √L² - r², टेन थीटा क्या होगा, आर अपॉन दिस, तो टेन थीटा की जगह आर अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, सिंपल। और ऐसी टेंशन निकालनी है तो टी कॉस थीटा एम जी है, तो टी क्या होगा, एम जी बाय कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहां से क्या होगा, दिस अपॉन एल, दिस अपॉन एल, पुट कर दो, आंसर क्लियर है। कॉनिकल पेंडुलम है, बस उसमें कॉस थीटा साइन थीटा हमें निकालने पड़ेंगे। क्या ये पॉइंट